उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में विवाद सालों पुराना है। दक्षिण कोरिया समय समय पर उसकी सीमा पर उत्तर कोरिया की हलचल के आरोप लगाता आया है। अब उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपने पूर्वी समुद्री तट की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह दावा किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद उत्तर कोरिया के शक्तिशाली नेता किम जोंग उन की बहन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रॉकेट दक्षिण कोरियाई की आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने प्योंगयांग द्वारा हथियारों की बिक्री करने के आरोपों से इनकार किया है। इस मिसाइल की लॉन्चिंग ऐसे वक्त में हुई है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन के पूर्वोत्तर शहर हार्बिन के दौरे पर है। किम जोंग का आखिर क्या है इरादा? ऐसा पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इससे पहले भी किम जोंग लगातार इस तरह की मिसाइल और रॉकेट दागते रहे। किम जोंग उन पिछले कई महीनों से अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, कई बार उन्होंने सेना को युद्ध की तैयारी का निर्देश भी जारी किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया अमेरिका से मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हाल के महीनों में इसने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलों के साथ रॉकेट भी लॉन्च किए हैं। इसी के साथ ही उत्तर कोरिया लगातार खुद को हथियारों से अपग्रेड भी कर रहा है, ताकि अगर युद्ध होता है तो वो आने वाली चुनौतियों का बखूबी जवाब दे सके।